का चाहिए तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हम लोग कभी कभार परेशान हो जाते हैं और किस तरह की हम लोग हैबिट करते हैं, ठीक है। आते क्या होती है, गुस्से में क्या करते हैं, सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में लाइट बहुत भागती थी और जब लाइट भागती थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे और हम लोग क्या कहते थे, खुंदक में हो गया यार, मैं इस लाइट से तो बहुत परेशान हो गया, अब मैं इस लाइट का क्या करूं। सो इंग्लिश में आप लोगों, मेरे समय में जब मैं बचपन में छोटा था तो एक बार पाताल भैरवी मूवी आ रही थी, तो क्या हुआ, लाइट आ रही है, भाग रही है। और पाताल भैरवी मूवी उस समय बहुत ज़्यादा परिचित मूवी थी जो लोगों में देखने का एक इच्छा थी, तो मेरे अंदर भी थी। लाइट आई, मैंने देखा और एकदम से जो वो है टीवी है एकदम से बंद हो गया। मैं खुंदक में बाहर गया फिर अंदर आया, एकदम लाइट आ गई, मैं टीवी के आगे बैठा और टीवी में मैंने 10 मिनट मूवी देखी और 10 मिनट मूवी देखने के बाद लाइट भाग गई, तो मैंने खुंदक में क्या कहा कि यार मैं इस लाइट से परेशान हो गया, लाइट से परेशान हो गए। आई एम सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। खुंदक में मैंने ना टेप पे मार दिया, मैंने कहा यार मैं तो इस लाइट से परेशान हो गया, क्या करूँ मैं इस लाइट का, आई एम सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिक ऑफ वाटर, यू नो आजकल तो हर जगह आप लोगों को पानी मिल जाता है, हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की सुविधा हो गई है, लेकिन पहले पानी के कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। दिल्ली में तो अब भी आप लोग देखेंगे इतनी दिक्कतों का वाटर के लिए, पानी के लिए वो करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है कि मैं बता नहीं सकता। एक दिन मैं भैया के घर गया, भैया को मैंने बोला कि भैया मुझे है ना जो आप लोगों का मुझे नहाना है, मैं रुड़की से आया हूँ तो मुझे ज़रा पानी बता दो कहाँ है। और सुबह सुबह हो रही थी, मैं रात का चला तो सुबह पहुंचा, भैया ने कहा चल नहा ले, और मैं रगड़ रगड़ के नहा रहा हूँ भाई साहब, ऐसा नहा रहा हूँ भाई साहब, झाग निकाल निकाल के पानी ऐसे चल रहा है, और भाई साहब मैं पानी में जैसे ही मैं झाग हो गया और मैंने जैसे ही पानी की तरफ देखा, च्यू पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक भी बूंद नहीं थी। अब मैं भैया ने कहा भाई, मैंने कहा भैया पानी कहाँ है, पानी की वजह से मुझे दिक्कत हो गई। भैया ने कहा यार पानी लेने तुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मैं वहाँ डब्बा लेके गया भाई साहब, बाल्टी लेकर और सबसे आगे, तो इतनी देर में एक आदमी दूर, इतनी देर से हम पागल हैं, हम सुबह के यहाँ नहाने के लिए लगे हुए, तो एक आदमी बड़ा सा है ना प्यार से बोलता है कि यार झाग झू हो रखा है इसके शरीर पे, साबुन लग रखा है, इसे ही करने दे भाई साहब। और भाई साहब मैं उस साबुन में भाई साहब ऐसे ऐसे भाई साहब लचका खुजली मारी है भाई साहब, चट 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 बोल रहा है। सो सिक ऑफ वाटर, सो मैंने पानी भर लिया, उन्होंने मुझे दे दिया, और मैं उसे आदमी को जो मुझे कह रहा था कि पीछे लग, मैं उसे दिखाते हुए पानी को जा रहा हूँ। और भाई साहब मैं पानी लेके जैसे ही घर में पहुँचा, देखा कि बाल्टी में छेन था, वो सारा पानी है ना भाई साहब ख़त्म हो गया, और मैंने बाल्टी को पटक के मारा और मैंने क्या बोला, मैं इस पानी से परेशान हो गया, क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ वाटर, बाल्टी पे लात मारी, मैंने कहा आई एम सिक ऑफ वाटर भाई साहब, आई एम सिक ऑफ वाटर, ठीक है, आई एम सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई एम सिक ऑफ वाटर। सिक ऑफ स्कूटर, भाई साहब पहले के टाइम के स्कूटर जो रहा करते थे, आप लोगों ने देखा होगा पापा की उम्र 50 साल, स्कूटर की उम्र 55 साल, लैमरेटा स्कूटर, चेतक भाई साहब एक बार इधर हिलाओ तो 4-5 बार खुद हिल जाता है, ऐसा स्कूटर, ऐसे स्कूटर को पापा ने कहा चल स्कूटर साफ कर, भाई साहब स्कूटर धो रहा हूँ मैं भाई साहब आप लोगों का, उससे किससे बड़ी आराम से धो रहा हूँ, पापा ने कहा शैम्पू लगा के धो स्कूटर को, स्कूटर भी मुस्कुरा रहा है भाई साहब चारों तरफ से। ऐसे स्कूटर को साफ करने के बाद शाम को आप मेले में चलेंगे और भाई साहब एक किक मारी, स्टार्ट ना हो भाई, ठंडा हो रखा है स्कूटर। अब मैंने कहा कि स्कूटर को शुरू करें, भाई साहब एक किक मारी, दो किक मारी, तीन किक मारी, मैंने मारना छोड़ दिया। अब पापा की बारी, अब पापा ने 4, 5, 6, 7, 8, 15 किक मार दी भाई साहब, पापा स्टार्ट हो गए, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ भाई साहब, बड़बड़ाना शुरू कर दिया, इतना पुराना स्कूटर हो गया भाई साहब, खुंदक आ रही है। अब पापा ने कहा चल धक्का मार, अब मुझे धक्का मार रहे हैं और स्टार्ट हो गया स्कूटर, पापा मेले से होके आ रहे हैं और भाई साहब अब मेले से होके आ रहे हैं, मेले से होके आते ही है ना मेरे को देखते हुए, और मुझे खुंदक आ रही, मुझे मेले में नहीं लेगी अब। लेकिन इस दौरान पे पापा ने जैसे ही मेरी तरफ को मुस्कुराया वैसे ही स्कूटर ख़राब हो गया। अब तो पापा क्या बोले खुंदक में आगे, मैं इस स्कूटर से परेशान हो गया, इस स्कूटर को तो फेंक दो यहीं पर।
बेच दो इसे। तो खुंदक में आके उन्होंने बोला आई एम सिक ऑफ स्कूटर। क्या बोला? आई एम सिक ऑफ स्कूटर। सो मैं इसके बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि औने पौने दाम में किसी चीज को बेच देने के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलो आज ही बता देता हूँ, या खुद भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कि औने पौने दाम में किसी चीज को बेच देना इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने लोगों को ये पता है, और अगर किसी को नहीं आऊंगा तो मैं उसे बता दूंगा। सो आज के लिए अंकल, इंग्लिश वाले अंकल में इतना ही था। जय हिंद।